मैं राजू सिंह माही। आज जो शूटिंग हो रही है वो फिल्म चैंपियन के गाने की है, जिसमें मैं बतौर हीरो काम कर रहा हूँ। रवि किशन जी हैं, मैं हूँ और किशन राय जी हैं, हम तीनों भाई हैं। बड़ी अच्छी कहानी है। डायरेक्टर धीरज ठाकुर जी हैं, जिसके आज गाने की शूट चालू है। तो एक किरदार के अलावा और कौन से किरदार हैं, अगर एक्ट्रेस की बात करें या और किरदार की बात करें? और अंजना सिंह जी हैं, मोनिका राय हैं, आयुषी तिवारी हैं, किशन राय हैं, रवि किशन जी हैं, मैं हूँ, गोपाल राय जी हैं, तमाम भोजपुरी के सारे जो हैं बड़े चेहरे इसमें आपको दिखेंगे। तो कहानी की पृष्ठभूमि क्या है और शूटिंग का कितना पार्ट कंप्लीट हो चुका है और कहाँ कहाँ शूटिंग होने वाली है आगे चल के? शूटिंग पूरी बॉम्बे में होनी है और शूटिंग का लगभग 30% पार्ट अब तक हो चुका होगा, बाकी जून मंथ में पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि रवि जी की डेट का थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, और बाकी आप देख ही रहे हैं शूट पे। तो पृष्ठभूमि बताइए, क्या है कहानी इस फिल्म की, चैंपियन की? बहुत अच्छी कहानी है, तीन भाइयों की कहानी है और बहुत ही पारिवारिक भोजपुरी, जो कि आज एक नई पहल, नई दिशा में आने वाली है, चल रही है,
तो उसी हिसाब से लिखा गया है, बहुत बढ़िया ही कहानी इसकी। तो राजू सर, ये पूछना चाहूँगा, भोजपुरी इंडस्ट्री से आपका ताल्लुका काफ़ी वक्त हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में जो फिल्में बन रही, बजट बढ़ रहा है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तो कितनी खुश हैं इस बात को लेकर? बहुत ही खुशी है। थोड़ी सी क्या है कि बीच में कुछ मतलब कुछ बैक हुए थे लोग, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा फिल्में आ रही हैं, और दिनेश जी अभी बॉर्डर लेके आ रहे हैं, उससे काफ़ी उम्मीदें हैं कि फिर इंडस्ट्री फिर से कम बैक होगी। आइए रोलिंग। मोनिका जी काफ़ी खूबसूरत दिख रही है इस परिधान में, क्या कहना चाहेंगे, कितने उत्साहित इस फिल्म को लेकर, किस तरह किरदार इस फिल्म में आपका? बहुत ही एक्साइटेड हूँ, और मुझे लग रहा है कब से स्टार्ट हो शूट, बस आज गाने की शूट है और हम लोग बहुत जल्द सीन भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मोनिका जी क्या कहना चाहेंगे, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में क्या कहेंगे, कितना ज़्यादा आपको मतलब उत्साहित कर रहा है जो रोल आपको मिल रहा है, ये जो लोग साथ में आप काम कर रहे हैं उनके? फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे फर्स्ट टाइम भोजपुरी में इतने बड़े प्रोजेक्ट पे लीड पे काम मिला है, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इस पर खरा उतरने की क्योंकि जो मेरे साथ है वो भोजपुरी के आप लोग सभी। मोनिका जी मेरे साथ अभी फिलहाल 3 फिल्म कर रही हैं, और एक तो आप देख ही रहे हैं, 2 फिल्म और लाइनअप है जिसका बहुत ही जल्दी अनाउंस किया जाएगा, हम और ये साथ में काम कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे अपनी खूबसूरत हीरोइन के बारे में, क्या खास बातें हैं? कहेंगे खूबसूरत हीरोइन के बारे में बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छा नेचर है और अच्छी आर्टिस्ट भी हैं, और हम लोग साथ काम कर रहे हैं तो काफ़ी मतलब मजा आएगा। मोनिका जी आपके एक्टर भी काफ़ी हैंडसम है, गुड लुकिंग, क्या कहेंगे इनके बारे में? हैंडसम है और बहुत ही अच्छे इंसान भी है, क्योंकि जब से मैं इनको जानती हूँ इन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया है कि मैं इनके साथ काम करूं, और क्या बोल सकती हूँ, अभी तक तो भोजपुरी में किसी ने किया नहीं था, फर्स्ट टाइम किए, और मैं आपके भरोसे को कायम रखूंगी। आज के बताइए कि आज जो सीक्वेंस है डांस सीक्वेंस, उसके बताइए कि उसको कितना एंजॉय कर रही हैं? हाँ, गाने तो मस्त हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये मेरे साथ ही एक सीन का सीक्वेंस है जो हम लोग क्लब में आए हैं, कुछ यहाँ पे अपने देश का गाना हो रहा है विदेशियों के बीच में, तो बहुत अच्छा लग रहा है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो विदेशियों के पीछे चुनने के पीछे कोई खास वजह राजू भाई? ताकि उनको अपने माटी में रंग खिलाएं। आपसे आना चाहूंगा कि आप डांसर कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा डांस कर लेते हैं, कितना राजू जी? बहुत 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 ही अच्छा, बहुत ही अच्छा मोनिका जी, बहुत अच्छा डांस, मतलब डांस तो इनका मानना पड़ेगा, इनको बस सर एक बार इशारा करना होता है ये करके आप लोग भी जानते हैं। और चैंपियन के इस फिल्म के अलावा और कोई प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं आगे? हाँ, आगे हम लोग रंजिश करने वाले हैं एक साथ, और चांद के पार चलो करने वाले, जो पूरी लव स्टोरी। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, जरा मैं थोड़ा लेट आया, मैं ये जानना चाहता हूँ ये किस फिल्म के लिए शूट कर रहे हैं और इसमें आर्टिस्ट कौन कौन है? ये चैंपियन की शूटिंग हो रही है, आज सॉन्ग की शूटिंग है, और इसमें रवि किशन जी, मैं, किशन राय, आयुषी तिवारी, मोनिका राय और अंजना जी हैं, और मार्केट के सारे कलाकार हैं, गोपाल राय जी, ब्रजेश त्रिपाठी, सब लोग इसमें हैं, और उसके गाने की आज शूट हो रही है जो कि आप लोग देख रहे हैं। इस गाने में सारे आर्टिस्ट हैं जी? इस गाने में विदेशी बालाएं दिख रही हैं आपको, बाकी हम लोग हैं। अच्छा, विदेशी रखने के पीछे मतलब आप उनमें से किसी आर्टिस्ट को भोजपुरी बुलाने की कोशिश की कि भाई भोजपुरी बोल दे तो? हाँ, भोजपुरी में ही गाना गवा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लाला जो आप टोन सुन रहे हैं उन्हीं का कोरस का है, और काफ़ी मतलब अच्छा म्यूजिक बनाया है कुमार जी। भोजपुरी में विदेशी कलाकारों के साथ काफ़ी बड़े बजट का गाना लगता है? जी हाँ, ये अब तक मेरे ख्याल से ये 3रा गाना होगा, अगर एक दिनेश जी का, एक पवन जी का, एक मेरा होगा। राजू भाई, आप उन कलाकारों में हो जो कि पहले विलन बनते हैं उसके बाद टर्न हो जाते हैं हीरो कुछ हद तक विनोद खन्ना साहब की तरह? जी, प्रयास वही है कि दर्शकों को हर रूप में अच्छा लगूं, अब देखिए आगे। तो क्या ये अच्छाई कायम रहेगी, मतलब हीरो ही बनेंगे या फिर एक बार फिर से विलन की तरह? नहीं, अभी वापसी कर लेंगे, अभी अच्छाई कायम रहेगी, अब इसमें कोई वापसी नहीं होगी, अब जो होगा एज ए हीरो ही होगा। मैं एक ही लाइन में कहूंगा, क्या राजू सिंह माही ने खलनायकी से तौबा कर ली है? जी हाँ, बिल्कुल, मतलब जो राजू सिंह माही हो हीरो ही रहेंगे। यस, खास वजह अब नहीं, बहुत लोगों ने बोला नहीं यार आप हीरो एक बार करो, आप कल लोग नेगेटिव नहीं है, कोई बोलता हीरो करूंगा, हीरो ट्राई करते हैं यार। तो आने वाले वक्त में कोई सोलो हीरो जिसमें राजू सिंह माही ही हीरो हो? चांद के पार चलो, इसमें सोलो में हीरो रहूंगा, जिसकी शूटिंग जून में स्टार्ट हो जाएगी। चांद के पार कौन कौन जा रहा है? मतलब आप दोनों ही जा रहे हो? वो बताएंगे समय पे। चैंपियन का चैंपियन नहीं, मैं तो इसे भी पीले कपड़े पहन के आता हूँ। चैंपियन कब तक शुरू पूरी हो जाएगी? चैंपियन देखिए 3 तारीख से कंटिन्यू होना है, बाकी अभी इसका 30% हो चुका है, मेरे ख्याल से 15 जून के अंदर हो जाएगी। 15 जून के अंदर पूरी फिल्म तैयार हो जाएगी, और रिलीज कब तक हो सकती है? अक्टूबर में रिलीज। जी, आप पूछ लेंगे।
जैसा कि चैंपियन के बारे में पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि एक अलग अलग ही स्टोरी है, और ये जो आज का सीक्वेंस है, आज हम लोग गाना शूट कर रहे हैं, कुछ सीन्स है हमने शूट भी किया है, अभी गाना का शूट चल रहा है, जो हर एक फिल्म के जो नायक है उनको लेके उनके ऊपर गाना है, जो उनका इंट्रोडक्शन होता है गाने से कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ कैसा हूँ, उसके लिए उसकी दिलेरी दिखाते हैं हम गाने में। तो कलाकार के अंदर कौन कौन से कलाकार हैं और क्या कहना चाहेंगे कलाकार को लेकर? रवि किशन जी हैं और भी कई कलाकार हैं फिल्म में। हाँ, रवि किशन जी हैं और भी आर्टिस्ट हैं जितने सारे हमारे, राजू सिंह माही जी का एक गाना शूट कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा गाना शूट हो रहा है, काफ़ी रिच है, और हमारे कोरियोग्राफर जी हैं संजय कुर्वे जी, वो काफ़ी अच्छे से बना रहे हैं। तो डायरेक्टर के पास डेब्यू फिल्म है या इससे पहले अपनी फिल्म डायरेक्ट किया है? नहीं, इससे पहले हमारी फिल्म आई है बेटा बाहुली 2 और लव के लिए कुछ भी करेगा आ रही है, चैंपियन है। तो ये फिल्म आपके लिए कितना खास है डायरेक्टर के तौर पर? कितना मेरे लिए, हर फिल्म मेरे लिए खास होता है, एक से एक बढ़ के। मैं हमेशा चाहता हूँ कि कोई मुझे ये ना बोले कि पिछली फिल्म से खराब बना है या पिछली फिल्म से थोड़ा अच्छा बना है, कोई ये कहे कि उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा बना है। तो कब तक आने की फिल्म मुझे पड़ेगी? ये बहुत जल्द आएगी, इस साल में आ जाएगी पिक्चर। राजू सिंह माही के साथ मैंने पहले भी काफ़ी फिल्म किया उनके साथ, मैंने गदर भी किया था पवन जी के, उन्होंने टाइटल भी सॉन्ग किया था उनके साथ। अच्छा है आर्टिस्ट, अच्छा एक्टर है, और मैंने उनको कल रिहर्सल भी किया मेरे साथ में, और बस अभी डिस्को का पप्पा गाना कर रहा, बहुत मज़ा आ जाएगा क्योंकि एक भोजपुरी के शान के स्टाइल के, मतलब बोलता ना एक शान है हमारे भोजपुरी के शान है, वो हिसाब से वो गाना कर रहे हैं, गाने बहुत ज़बरदस्त है, माइंड ब्लोइंग गाने बने। तो सिचुएशन किस तरह का इस गाने का सिचुएशन? ये पप्पा गाना है, कोई डिस्को का गाना है, अभी इस तरह से अच्छा तो मेरे डायरेक्टर धीरज बताएगा आपको इसके सिचुएशन क्या है। मैं तो कोरियोग्राफ कर रहा हूँ गाने का, मैं तो बस अपना कोरियोग्राफी डांसिंग का काम कर रहा हूँ, बाकी ये लोग पूछ रहे हैं इसका सिचुएशन, गाना कैसा मूवमेंट्स पे आ रहा है। एक्चुअली हमारे फिल्म का जो नायक है उनका इंट्रोडक्शन है, यहाँ से बताते हैं उसका तेवर क्या है, चाल भाव क्या है, उसके दिलेरी के बारे में बताते हैं इस गाने में। तो आज के ज़माने में जो भी भोजपुरी फिल्में बनती हैं, जो भी डांस सीक्वेंस होता है, क्या कहना चाहेंगे काफ़ी सुधार आया है पिछले? वाई नॉट, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत अभी सुधार गया, बहुत लेवल में, तो फॉरेन लंदन अमेरिका काका ने अभी गाना कर गया, अभी मैंने लंदन में भी गाना कर गया, बहुत सुधार है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री, बहुत टॉप लेवल में जा रहा है अभी, वो नहीं रहा अभी हमारे भोजपुरी बहुत, अभी देखो डिस्को पब अभी 4-5 लाख रुपये का तो पूरा सट्टी है पूरा डिस्को के हमें पब में गाना कर रहे, बाकी आउटस्टैंडिंग इंडस्ट्री हमारे बहुत आगे निकल गया भोजपुरी इंडस्ट्री।